इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। प्रामाणिकता, शुद्धता और पारदर्शकता के प्रतीक रतन लाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। और एक बार फिर नाथा भाऊ बन सकते हैं मंत्री, यह एक बड़ी वजह है एकनाथ राव खड़से के समर्थकों में खुशी की लहर का। वजह है एकनाथ राव खड़से का विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारी का मिलना। भाजपा के राज में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले एकनाथ राव खड़से समेत कई पुराने और कट्टर नेताओं को भाजपा ने दरकिनार कर दिया था, जिस वजह से कुछ तो नाराज हैं और कुछ नेताओं ने पार्टी को राम राम ठोक दिया, जिसमें एकनाथ राव खड़से भी एक हैं। भाजपा छोड़ने के बाद एकनाथ राव खड़से ने राजनीति में गुरु माने जाने वाले शरद पवार की उंगली पकड़ ली और राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद से ही एकनाथ राव खड़से की राजनीतिक पुनर्वास की चर्चाएं लगातार चल रही थी। मनोनीत होने वाले 12 एमएलए की लिस्ट में एकनाथ राव खड़से का नाम था, लेकिन राज्यपाल ने कई महीनों के बाद भी अभी तक उसे इजाजत नहीं दी है और एकनाथ राव खड़से एमएलए भी नहीं बन पा रहे थे। अब विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से एकनाथ राव खड़से की उम्मीदवारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश है। उनका मानना है कि खड़से को पावर मिलने के बाद खड़से बीजेपी की बैंड बजा सकते हैं और उनका ये भी मानना है कि अगर खड़से विधायक बनते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में भी जरूर स्थान मिल पाएगा। फिलहाल तो उम्मीदवारी मिलने पर सभी ओर खुशियां मनाई जा रही है। जल्द ही आगे आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि खड़से का राजनीतिक पुनर्वास कितना और कैसे होता है। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। आता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या दर्जाचं शिक्षण मिळेल आपल्या जळगाव शहरात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे। केम्ब्रिज नॉलेज प्रोग्राम, केम्ब्रिज प्री प्राइमरी हॉलिस्टिक प्रोग्राम, कोडिंग विथ टेक महिंद्रा, युफोरिया क्लब, विद्या कला मंच, विद्या रंग मंच व विद्या स्पोर्ट्स क्लब अशा सर्व सुविधा फक्त विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। सोबतच स्पेशियस क्लासरूम व एक्सपर्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल डीमार्ट जवळ, जेके पार्क रोड, जळगाव। ऍडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th स्टँडर्ड।